दोस्तों, वी इंडियंस आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड फॉर कोहिनूर। कोहिनूर एक ऐसा हीरा है जिससे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और हम ये मानते हैं कि कोहिनूर हमारा था, पर उसको अंग्रेज लूट कर ले गए हमसे। पर क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर से भी बड़ा हीरा हमारे पास था जिसको हमने खो दिया एक दूसरे कोहिनूर को बचाने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जुबली डायमंड के बारे में, जिसको और कोई नहीं बल्कि हमारे टाटा ओन करते थे और इसी हीरे ने एक बार टाटा कंपनी को डूबने से बचाया था। पहले कि हम जुबली डायमंड और टाटा की कहानी को सुने, पहले जुबली डायमंड की हिस्ट्री को जान लेते हैं। 1895 में साउथ अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में जैगर्सफोंटेन माइन में एक स्टोन मिलता है। ऑरेंज फ्री स्टेट वॉज इंडिपेंडेंट बॉयर सॉवर्जन रिपब्लिक अंडर ब्रिटिश रूल इन साउथ अफ्रीका। इट फाइनली सरेंडर टू ब्रिटिशर्स इन 1902। जी हाँ, 1902 में जैगर्सफोंटेन माइन साउथ अफ्रीका के जैगर्सफोंटेन सिटी के पास एक ओपन पिट माइन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ओपन पिट माइन क्या है, तो ओपन पिट माइन एक मेगा माइन प्रोजेक्ट होता है जहां से अर्थ से मिनरल्स और अदर रॉक्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये माइन 1875 में स्टैब्लिश की गई थी और दुनिया के 10 सबसे बड़े हीरो में से 2 हीरे इसी माइन से निकाले गए हैं। इस डायमंड का नाम वहां के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रांसिस विलियम रिट्स के नाम पर रिट्स डायमंड रखा जाता है और फिर क्वीन विक्टोरिया के 60th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इसका नाम बदल दिया जाता है जुबली डायमंड में। जब ये डायमंड मिला था उस समय ये 650.8 कैरेट यानी लगभग 130.16 ग्राम का था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये डायमंड कितना बड़ा होगा। लेटर लंदन की डायमंड एसोसिएशन 1896 में जुबली डायमंड और एक्सेलरस डायमंड को, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड भी है, खरीद लेते हैं और एम्स्टरडैम भेजते हैं उन्हें और तराशने के लिए। वहां मिस्टर एम बी बर्नार्ड इस डायमंड को तराशते हैं और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसका 40 कैरेट डायमंड निकाल देते हैं, जो फिर अलग से 13.34 कैरेट का डायमंड बनता है और इसको खरीदते हैं पोर्तुगीज के किंग डॉम कार्लोस। लगभग उसी समय के आसपास हिंदुस्तान में दोराबजी टाटा विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिताजी यानी जमशेदजी टाटा के कॉटन बिजनेस में काम करने लगते हैं और बिजनेस को बढ़ाने में मदद भी करते हैं। एक बार बिजनेस के सिलसिले में जमशेदजी टाटा मैसूर विजिट करते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर होरमुशी भाभा से। बातों ही बातों में दोस्ती बढ़ती है और होरमुशी भाभा जमशेदजी टाटा को अपने घर बुलाते हैं। जब जमशेद जी उनके घर जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर होरमुशी भाभा की एक लौती बेटी मेहरबाई से। मेहरबाई के भाई यानी कि जहांगीर भाभा, जिनके बेटे को कौन नहीं जानता। जी हाँ, हमारे देश के फादर ऑफ साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, मेहरबाई होमी जहांगीर भाभा की बुआ थी। जमशेद जी को मेहरबाई दोराब जी के लिए पसंद आ जाती है और वो बॉम्बे वापस पहुंच के दोराब जी को मैसूर भेजते हैं मेहरबाई से मिलने के लिए। अब जो मेहरबाई एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी 1897 में हो जाती है। वहीं एम्स्टरडैम में एमबी बर्नार्ड भी जुबली डायमंड को तराशने का काम पूरा कर लेते हैं और डायमंड को वापस भेज देते हैं लंदन। ये दो कहानियां सेपरेट चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों कहानियां आपस में जुड़ जाएंगी। दोराब जी एडोर्ड हिज वाइफ मेहरबाई अलॉट और इसीलिए जब वो लंदन गए तो उन्होंने 1,00,000 पाउंड में जुबली डायमंड मेहरबाई के लिए खरीद लिया एज ए वैलेंटाइन गिफ्ट। दोस्तों, अगर आज हम उसकी वैल्यूएशन करें तो लगभग 166,00,000 पाउंड या 166 करोड़ के बराबर कीमत होगी जुबली डायमंड की। दोस्तों, कौन कहता है कि शाहजहां ने ही प्यार किया था? प्यार तो उन्होंने भी बहुत किया, क्या हुआ जो ताजमहल नहीं बनवाया, और जो बनवाया वो ताजमहल से भी बड़ा था। जी हाँ, इस कहानी को आज तक सुनिए और आप जान जाएंगे कि दोराब जी ने मेहरबाई के लिए ऐसा क्या बनवाया जिसको मैं ताजमहल से भी बड़ा कह रहा हूं। 1924 में एक ऐसा वक्त आया जब लगा कि टाटा स्टील डूब जाएगी। दोराब जी उस समय टाटा स्टील कंपनी को ओन करते थे और संभालते थे। कंपनी की हालत बेहद खराब हो जाती है और कंपनी को बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। टाटा स्टील प्राइस इन्फ्लेशन, चीपर जापानी स्टील मार्केट से लेकर लेबर इश्यू से जूझ रही थी और हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि दोराब जी को लगा कि अब वो इंप्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली कंप्लीट टाटा ग्रुप वॉज फेसिंग ह्यूज कैश क्रंच एट दैट टाइम।
फिर 1924 में ही जमशेदपुर से एक टेलीग्राम आता है कि कैश खत्म हो चुका है और अब टाटा ग्रुप के स्पेशली फॉर टाटा स्टील्स एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी जा सकती। दैट वॉज द टाइम व्हेन दुराबजी एंड हिज लाइफलाइन मेहरबाई डिसाइडेड टू सेल ऑल देयर पर्सनल ज्वेलरीज टू गिव सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। दुराबजी टाटा एंड हिज वाइफ मेहरबाई टाटा प्लेस्ड एंटायर पर्सनल वेल्थ टू इंपीरियल बैंक, जिसको आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फाइनली टाटाज ने अपने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी तो टाइम पर दी ही एंड दे ऑल्सो मैनेज टू सेव द कंपनी। टूडे द कंपनी इज द वर्ल्ड 12th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर विद ऑपरेशंस इन इंडिया, यूके, चाइना एंड 23 अदर कंट्रीज। बट वन थिंग दे कुड नॉट सेव वॉज द वैलेंटाइन गिफ्ट ऑफ मेहरबाई द जुबली डायमंड। दोस्तों, ये उन दोनों का प्यार और विश्वास था जिसने भारत देश को असली कोहिनूर को अपने जुबली डायमंड को बेच के एक नई दीव दी। पर अफसोस उन दोनों का साथ ज्यादा नहीं रह पाया। ईयर 1931 में मेहरबाई का देहांत हो जाता है बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर से, एट द एज ऑफ 52। उनकी डेथ से दुराबजी ये सीख लेते हैं कि इस देश को कैंसर से लड़ने के लिए एक अच्छी सुविधा और डॉक्टरी रिसर्च की सख्त जरूरत है, और इसीलिए वो उनके देहांत के तुरंत बाद लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की शुरुआत करते हैं टू एडवांस द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ब्लड। ऑन 11th मार्च 1932, वन ईयर आफ्टर मेहरबाई डेथ एंड शॉर्टली बिफोर हिज ओन डेथ, दुराबजी एस्टैब्लिशेस अ ट्रस्ट फंड व्हिच वाज टू बी यूज्ड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ प्लेस, नेशनलिटी ऑफ क्रीड, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च, डिजास्टर रिलीफ एंड अदर पर्पसेस। ये वही ट्रस्ट है जिसको आज हम सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। मेहरबाई के देहांत के बस एक साल बाद दुराबजी का भी देहांत हो जाता है 3 जून 1932 को। पर इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले वो हमारे देश को एक नायाब तोहफा देकर जाते हैं जो आज भी देश की नहीं बल्कि दुनिया में कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में दुनिया की मदद कर रहा है। इस कहानी को सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि मैं किस को कोहिनूर से ही बड़ा हीरा कह रहा था। आज भले ही जुबली डायमंड हमारे देश में ना हो, पर उस जुबली डायमंड की ही वजह से हमारे बीच में दुनिया का सबसे बहुमूल्य रत्न हमारा टाटा ट्रस्ट और कैंसर से लड़ने की नॉलेज और काबिलियत है। दुराबजी ने मेहरबाई के लिए ताजमहल तो नहीं बनवाया, पर उन्होंने बनवाया टाटा मेमोरियल ट्रस्ट एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स, जो आज दुनिया में कैंसर से लड़ने के लिए पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, और यही है एक असली प्यार की निशानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना, और हो सके तो इसको शेयर करना हर एक हिंदुस्तानी को, और ये बताना कि हमारे पास कोहिनूर से भी बड़ा हीरा आज भी मौजूद है। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।